अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चपन कद्दू शाही अंदाज से बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज, टमाटर और चिकन तीनों चीज़ें एक साथ डाल दी और तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो 5 मिनट मैं इसको सॉफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से एक साथ ही सॉफ्ट कर लिया है, बहुत जबरदस्त तरीके से। ना हमारे टमाटर नजर आएंगे ना प्याज, ठीक है। लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डाल देंगे, हसबे जायका नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कलौंजी, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डालनी है और अच्छी तरह से इसको भून लेना है। जितने ज़बरदस्त आप लोग भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त ये तैयार होंगे। माशाल्लाह से मैंने इसको ज़बरदस्त तरीके से भून लिया है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चपन कद्दू, जो कि हम लोगों ने इसकी कटिंग ऐसे कर दी है, बिल्कुल बारीक तरीके से आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है ऐसे, और आप लोगों ने इसको ज़बरदस्त तरीके से भून देना है। जितने ज़बरदस्त तरीके से आप लोग भुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये तैयार होगी। आप लोगों ने इसकी भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त करनी है, अगर आप लोगों की भुनाई अच्छी नहीं होगी तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो 2 मिनट इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करती हूँ। 2 मिनट मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब जो है इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे, इसको अपने पानी में नहीं पकने देंगे बल्कि इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारी झटपट से तैयार हो जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे चपन कद्दू तैयार हुए हैं शाही अंदाज में। इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ज़बरदस्त तरीके से और चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। फ़ाइनल लुक आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।